नमस्कार, मैं हूं मित्र गैजेट्स फॉर यू की एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जी हां दोस्तों, टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा कि ये सारे स्मार्टफोन आपको अभी इंडिया में नहीं खरीदने चाहिए, स्पेशली अगर हम बात करते हैं 15 से लेकर 20 हज़ार रुपये में आने वाले स्मार्टफोन्स की, क्योंकि बहुत जल्द इंडिया में कुछ नया आने वाला है। लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं तो, क्योंकि कुछ ऐसे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में जिनके बारे में जानकर आपको ऐसा लगेगा कि ये स्मार्टफोन इंडिया में जल्द से जल्द लॉन्च हो जाने चाहिए। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन से स्मार्टफोन हैं और ये इंडिया में कब लॉन्च होंगे। तो चलिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं इनके बारे में और ज़्यादा, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कह दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि टेक वीडियोस हम अपने चैनल पर डेली अपलोड करते हैं, और साथ में लगा बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो चलिए अब बात करते हैं इन स्मार्टफोन्स की। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं वो नियरली कंफर्म होती है कि कौन सा फ़ोन कब लॉन्च हो रहा है, किस स्पेसिफिकेशन के साथ में लॉन्च होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाला हूँ, ये नियरली कन्फर्म है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ ओप्पो के K1 और वीवो की तरफ से लॉन्च हुए Z3 की, जो कि इंडिया में दिसंबर में लॉन्च हो सकते हैं। जी हाँ, कुछ लीक्स कहती हैं कि दोनों ही फ़ोन इंडिया में दिसंबर मंथ में लॉन्च होंगे, और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ये दोनों ही फ़ोन्स आपको मिलते हैं लगभग 15,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये की प्राइसिंग में। और अगर हम बात करते हैं इन फीचर्स की, तो यह फीचर्स आपको लगभग 25,000-30,000 रुपये की प्राइस में अभी अवेलेबल हैं, जो कि आपको मिलेंगे सिर्फ 15,000 से लेकर 20,000 रुपये की प्राइस में। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं दोनों फ़ोन्स के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें वीवो के Z3 के बारे में, जो कि कल ही चाइना में लॉन्च हुआ है, जहां पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 670 चिपसेट और स्नैपड्रैगन का 710 चिपसेट, जो कि आपको 15,000 से 20,000 रुपये की प्राइस में मिलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग से इस फ़ोन के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिज़ाइन की, तो ये सारे ही फ़ोन्स आपको देखने को मिलते हैं वाटर ड्रॉप नॉज डिस्प्ले के साथ में। जी हाँ, चाहे हम बात कर लें वीवो की, चाहे हम बात कर लें ओप्पो की, चाहे हम बात कर लें रियलमी की, चाहे हम बात कर लें वन प्लस की, अब आपको सारे ही फ़ोन्स एक वाटर ड्रॉप नॉज डिस्प्ले के साथ में मिलने वाले हैं। जी हाँ, जहाँ पर आपको 91% से भी ज़्यादा का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। फ्रंट साइड से बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ में आपको ये देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं बैक डिज़ाइन की, तो ये भी आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलते हैं, हालांकि कुछ एक डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। किसी में आपको ड्यूअल शेड देखने को मिलता है, किसी में आपको सिंगल शेड देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको ड्यूअल शेड देखने को मिलेगा। तो इन फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, और ये हम पहले वाले फ़ोन्स में देख भी चुके हैं, चाहे फिर ओप्पो का F9 हो, ओप्पो F9 प्रो हो, रियलमी हो, फिर वीवो का V11 हो, V11 प्रो हो, ये सारे ही फ़ोन हमने देखे हैं, नो डाउट काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ में आपको देखने को मिलते हैं। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है 6.3 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि आता है 19.5:9 इसके नीचे के साथ में। यहाँ एक IPS पैनल यूज़ किया जाता है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छे डिस्प्ले क्वालिटी आपको देता है। अब बात करते हैं कैमरास की, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप, जो कि होगा 16+2 मेगापिक्सल का, जहाँ पे यूज़ किया जाएगा F2.0 का अपर्चर। और अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर दिया गया है 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। जी हाँ, जिस चीज़ के लिए हम सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं कि कम प्राइस में हमें हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सबसे अच्छा चाहिए, तो ऐसा ही इस फ़ोन के साथ में होने वाला है। यहाँ पर लॉन्च किया गया है 2 वेरिएंट, एक है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में, लेकिन यहाँ पर आपको चिपसेट अलग मिलने वाला है एक रैम वेरिएंट के साथ में। जी हाँ, जो 4GB वाला वेरिएंट है उसके साथ में यूज़ किया गया है स्नैपड्रैगन का 670 चिपसेट। अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 1599 चाइनीज़ युआन रखा गया है इसका प्राइस, जो कि इंडिया प्राइस के अकॉर्डिंग होता है लगभग 17,000 रुपये। वहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 670 चिपसेट, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। और अगर हम बात करते हैं दूसरे वेरिएंट की, तो वो आपको मिलता है 6GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ में, लेकिन उसमें चिपसेट भी आपको चेंज देखने को मिलता है। जी हाँ, यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 670 नहीं, बल्कि स्नैपड्रैगन का 710 चिपसेट यूज़ किया गया है। हम जनरली ये देखते हैं कि एक चिपसेट के साथ में आपको अलग अलग रैम वेरिएंट देखने को मिलते हैं, लेकिन इस फोन में अलग अलग रैम वेरिएंट के लिए अलग अलग चिपसेट का यूज़ किया गया है। और अगर हम बात करते हैं इस वेरिएंट की प्राइस की, तो इसका प्राइस चाइना में रखा गया है 1899 चाइनीज़ युआन में, लगभग जो कि होता है 20,000 रुपये के आसपास। यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 710 चिपसेट देखने को मिलने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि कुछ और भी फ़ोन आने वाले हैं इन फ्यूचर, जो कि आपको इसी प्राइस में 710 चिपसेट देंगे, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेनली ओप्पो और वीवो की,
जो कि आपको पहले जो स्पेसिफिकेशन देते थे इस प्राइस में वो बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन पिछले कुछ महीने से हम देख रहे हैं काफ़ी अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको 20,000 की प्राइस में स्नैपड्रैगन का 670 और स्नैपड्रैगन का 710 चिपसेट देखने को मिलने वाला है। सिक्योरिटी की बात करें तो रियर साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है और फ्रंट साइड में आपको एक फेस अनलॉक का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। बैटरी दिया गया है 3315 mAh का, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इनबॉक्स आपको एक फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा और यह वही आपको फ्रंट टच ओएस पे देखने को मिलेगा जो कि काम करेगा एंड्रॉयड के 8.1 मीन्स ओरियो के साथ में। तो यह है कंप्लीट पैकेज वीवो के Z3 का। नो डाउट प्राइस के हिसाब से काफ़ी कमाल की स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और अगर हम बात करते हैं इंडिया प्राइसिंग की, तो हम पहले भी देख चुके हैं कि जो वीवो की प्राइस होती है इंडिया के मुकाबले वो ऑलमोस्ट सेम होती है या फिर इंडिया की प्राइसिंग कम होती है। जी हाँ, हमने पहले काफ़ी सारे फ़ोन देखे हैं जहाँ पे हमें ऑलमोस्ट सेम प्राइस देखने को मिलता है या फिर इंडिया में कम प्राइस देखने को मिलता है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया में भी यह फ़ोन इसी प्राइसिंग के आसपास लॉन्च हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे फ़ोन की जो कि है ओप्पो K1। हालांकि इसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं वीवो के Z3 से तो ये उससे भी बेटर फ़ोन होने वाला है और बताया जा रहा है कि यह फ़ोन भी इंडिया में दिसंबर मंथ में लॉन्च हो सकता है। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन की तो यहाँ आपको मिलने वाला है 6.4 इंचेस का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले। अब बात करते हैं पैनल की कि यहाँ पर आपको IPS पैनल देखने को मिलेगा या फिर सुपर एमोलेड पैनल, क्योंकि इस फ़ोन में आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि काम करता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले पे। लेकिन मैंने बहुत जगह चेक किया, मैंने ओप्पो की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया जो कि चाइना की वेबसाइट है, या फिर बहुत सारे ब्लॉग भी चेक किए, तो वहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। जी हाँ, जो ओप्पो की ऑफिशियल वेबसाइट है चाइना की, वहाँ पे भी मेंशन नहीं था कि इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो मैं आपको अभी यह नहीं कह सकता कि इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले है या फिर IPS डिस्प्ले है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले पे ही काम करता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, तो हम ये अभी ये कह सकते हैं कि इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। डिज़ाइन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फ़ोन का भी डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा होगा। अब बात करते हैं इस फ़ोन के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट। जी हाँ, स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट इसमें यूज़ किया गया है, जहाँ पर आपको मिलेगा 4GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 64GB स्टोरेज के वेरिएंट। अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन की सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर कमाल होने वाला है। जी हाँ, आपको मिड प्राइस सेगमेंट के फ़ोन्स में भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये पहला फ़ोन होगा इस प्राइस में आने वाला जहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी देखने को मिल रही है। फेस अनलॉक का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पे दिया गया है 3600 mAh का बैटरी। USB टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिलने वाला इन सारे ही फोन्स में, माइक्रो USB पोर्ट ही देखने को मिलेगा, लेकिन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। और अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन के UI की, तो वो आपको कलर OS ही देखने को मिलेगा जो कि होगा 5.2, जो कि काम करता है एंड्रॉयड के 8.1 मीन्स ओरियो के साथ में। तो कहने का मतलब ये है कि जो पावरफुल फ़ोन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ओप्पो और वीवो पहले इनकी प्राइसिंग रखते थे लगभग 30,000 से ऊपर के प्राइस में, क्योंकि 20 से 25,000 रुपये की प्राइस में तो आपको स्नैपड्रैगन का 626 या फिर स्नैपड्रैगन का 450 या फिर मीडियाटेक का 6757 कुछ ऐसे चिपसेट देखने को मिलते थे। लेकिन जो इससे पावरफुल चिपसेट थे वो आपको देखने को मिलते थे लगभग 30,000 से ऊपर की प्राइसिंग में, लेकिन अब और ओप्पो और वीवो देने वाले हैं आपको 15 से 20,000 की प्राइस में। हालांकि ये दोनों ही फ़ोन चाइना में लॉन्च हो चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ लीक्स कहती हैं कि ये इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं दिसंबर मंथ में। तो ये थे दो फ़ोन, वीवो का Z3 और ओप्पो का K1, जो कि चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और इंडिया में भी बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक और फ़ोन की जो कि ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में देखने को मिलता है, और वो है नोकिया का X7। जी हाँ, ये भी चाइना में लॉन्च हो चुका है और इसका ग्लोबल वेरिएंट कब लॉन्च होगा इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने देखा था नोकिया के 6.1 प्लस की टाइम पे, जी हाँ, जो कि चाइना में लॉन्च हुआ था नोकिया का X6, वो लगभग 2 से 2.5 महीने में इंडिया में लॉन्च हो गया था। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि नोकिया का 7.1 प्लस, जो कि नोकिया का X7 है, ऑफ कोर्स वो आपको ग्लोबल वेरिएंट नोकिया के 7.1 प्लस के नाम से देखने को मिलेगा, वो भी इंडिया में 2 से 2.5 महीने में लॉन्च हो जाएगा। वहाँ पे भी आपको स्नैपड्रैगन का 710 चिपसेट देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो वो भी लॉन्च हुआ है लगभग 17 से 18,000 रुपये की प्राइस में। जी हाँ, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, नोकिया X6 भी चाइना में लॉन्च किया गया था लगभग 15-16 हज़ार रुपये की प्राइस में, इंडिया में भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ही लॉन्च हुआ। तो यह फ़ोन भी अगर इंडिया में जल्दी लॉन्च होता है तो इसी प्राइसिंग के आसपास लॉन्च होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगले 2 महीने में, मतलब अगर हम बात करते हैं दिसंबर तक की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। और जो स्पेसिफिकेशन हम अभी 25 से 30,000 रुपये की प्राइस में ले रहे हैं, वो आपको 15 से 20,000 रुपये की प्राइसिंग में मिल सकती है।
तो यही था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर होगी। और अगर आप वेट करना चाहते हैं 15 से 20 हज़ार वाले फ़ोन्स के लिए, तो ज़रूर आप इन फ़ोन का वेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेट आपको नहीं करना है। और बहुत ही जल्द इसके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी तो हम आपको एक बार फिर से ज़रूर बताएंगे। तो यही था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोज़ देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास और कोई सवाल है सोचा तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।